मोदी के इस दाव का हरियाणा में दिखेगा सबसे ज्यादा असर। विधानसभा में 30, लोकसभा में 3 सीटें होगी रिजर्व। 45 साल में केवल 6 महिलाएं पहुंची संसद। मोदी सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 का असर हरियाणा में भी दिखाई देगा। ये बिल पारित होते ही हरियाणा विधानसभा और लोकसभा की तस्वीर बदल जाएगी। विधानसभा में महिलाओं के लिए 30 और लोकसभा की 3 सीटें रिजर्व हो जाएगी। हालांकि केंद्र के इस नए बिल का लाभ 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। हरियाणा में महिलाओं को पंचायतों में पहले ही 50% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन साल 2026 में होना है। अभी हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। परिसीमन में आबादी के अनुसार लोकसभा की 3 सीटें बढ़ेगी तो कुल 13 लोकसभा सीटें हो जाएगी, जिनमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इस स्थिति में विधानसभा में सीटें बढ़कर 117 हो जाएगी, जिनमें 39 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आपको बता दें हरियाणा में पिछले 45 सालों के दौरान केवल 6 महिलाएं ही लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच पाई है। सबसे अहम बात यह है, अभी तक हरियाणा में निर्दलीय कोई महिला आज तक जीत नहीं पाई है। कांग्रेस की चंद्रावती, कुमारी सेलजा और श्रुति चौधरी तो भाजपा की सुधा यादव और सुनीत दुग्गल और इनेलो की कैलाशो सैनी ही हरियाणा गठन के बाद लोकसभा पहुँच पाई है। वही हरियाणा के 6 जिले ऐसे भी हैं जहां अभी तक महिलाओं को मौका नहीं मिल पाया है। इनमें करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिले शामिल है। इन जिलों में एक भी महिला सांसद संसद तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे ज्यादा 3 बार कांग्रेस की कुमारी सेलजा संसद पहुंची है। वह 2 बार अम्बाला और 1 बार सिरसा आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुँची है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।